दर्शकों आज बात करेंगे बॉलीवुड के निहायत ही सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली फिल्म शैतान के बारे में। जी हां दर्शकों, अजय देवगन वही एक्टर हैं जिनका घर रीमेक फिल्मों के दम पर चलता है। अब आप कहेंगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो पूरी सच्चाई आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्वागत है आपका विजन हिंदी पे। आज हम बात करने वाले हैं शैतान मूवी से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो सारी चीजें हैं सेट, आइए देते हैं आपको शैतान मूवी के अपडेट। बदले में आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट। दर्शकों बॉलीवुड के सिंगम यानी कि अजय देवगन ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके घर का खर्च तो भाई साहब रीमेक फिल्मों के दम पर चलता है। अब कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई भी दिखती है, जैसे कैथी फिल्म की रीमेक भोला हुई और साउथ की ही दृश्यम का रीमेक दृश्यम 2 इन्होंने चेप दिया। पहले तो सिंगम भी साउथ में बनी थी, फिर इन्होंने हिंदी में उसे चेप दिया। अब इनकी एक नई फिल्म आ रही थी शैतान, जो कि 8 मार्च को ही रिलीज होनी थी। तो हमें लगा भाई साहब इसकी कहानी तो ओरिजिनल होगी, लेकिन बाद में थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चला कि भैया ये भी रीमेक होने वाली है। तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार अजय देवगन भैया किस बात पे आप उतारू हैं। लेकिन हाँ ये बात भी मानने वाली है कि अजय देवगन रीमेक भी बाकमाल बनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो इनकी जो शैतान मूवी होने वाली है ये 2023 में आई कृष्ण देव याग्निक की मूवी वस का ही रीमेक होने वाली है, या फिर आप कह लीजिए एडाप्टेशन होने वाली है। शैतान मूवी के लिए 70 करोड़ का बजट रखा गया है। ऐसे में इसमें बेहतरीन से स्टार कास्ट भी होने वाली है, जिसमें ज्योतिका, अजय देवगन खुद और हमारे आप सबके फेवरेट आर माधवन भी इस फिल्म का हिस्सा है। क्या शैतान मूवी भी भोला मूवी की तरह एक हिट मूवी हो पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके लिए ज्यादा समय बचा नहीं है, तो 8 मार्च को क्या आप शैतान मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।